हमीरपुर पुलिस ने चोरी के मामले में संलिप्त भगोड़े को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हमीरपुर बस अड्डे पर पुलिस की टीम ने चोरी के एक मामले में साल 2008 से रफू चक्कर चल रहे आरोपी मोहम्मद सनबर सुपुत्र मोहम्मद अनबर निवासी अम्बेटा पीर नुक्कर सहारनपुर उत्तर प्रदेश को पकड़ा है। आरोपी मोहम्मद सनबर पर IPC की धारा 379, 411 और 34 के तहत मामला साल 2008 में दर्ज हुआ था। पकड़े गए आरोपी को नादौन कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमीरपुर पुलिस ने चोरी के मामले में शामिल भगोड़े को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हमीरपुर बस अड्डे पर पुलिस की टीम ने चोरी के एक मामले में साल 2008 से रफू चक्कर चल रहे आरोपी मोहम्मद सनबर सुपुत्र मोहम्मद अनबर निवासी अम्बेटा पीर नुक्कर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के पकड़ा है। आरोपी मोहम्मद सनबर पर IPC की धारा 379, 411 और 34 के तहत मामला साल 2008 में दर्ज हुआ था। पकड़े गए आरोपी को नादौन कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि कई सालों से भगोड़ा मोहम्मद सनबर फरार चल रहा था और पुलिस ने कई जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन कई पर आता पता नहीं चल पाया। वहीं आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिलते ही पुलिस ने बस अड्डा हमीरपुर में आकर आरोपी को धर दबोचा है। वहीं इस मामले पर SP हमीरपुर अर्जित सिंह ठाकुर ने बताया कि चोरी के मामलों में शामिल व्यक्ति मोहम्मद सनबर को पुलिस की टीम ने पकड़ा है। उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति को नादौन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज हमीरपुर पुलिस की POCL ने मोहम्मद सनवार जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं उनको जो कि उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर हुआ था 165/8 मुकदमा में जो कि चोरी का मुकदमा है उसको आज यहाँ हमीरपुर में पकड़ा गया है। उसको अब हम पकड़ने के बाद थाना में इसकी एंट्री करने के बाद नदौन में जो जज साहब हैं उनके सामने पेश करेंगे। Thank you.